इंसान हमेशा उलझन में रहता है और ऊपर वाला उसके लिए और उलझनें पैदा कर देता है। उसका ही नतीजा है ये लड़की, जिसका नाम है अनुष्का, जो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है। इसका मानना है कि वो खुद की तकदीर खुद ही लिखती है और आज वो ये साबित करेगी कि मर्दों से भरी इस दुनिया में वो उनसे कम नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। मैं आपकी टीम खरीदना चाहती हूँ। पर मैं टीम बेचना नहीं चाहता। मिस्टर जॉनसन, आपने अपनी ये टीम $5 मिलियन में खरीदी है और मैं आपको इस टीम के लिए दूंगी €20 मिलियन। 20 मिलियन यूरोस नहीं चाहिए। तुम ये टीम खरीद कर क्या करोगी जब खेल के बारे में जानती ही नहीं हो? तुम बस इस खेल का लुत्फ उठाओ। क्या इनका खेल देख के डर गई? डरूंगी और मैं चुटकियों में हरा दूंगी। तुम? हाँ मैं। मेरे लड़कों के सामने तुम टिक भी नहीं पाओगी। हराना तो दूर की बात है। और अगर हरा दूँ तो? टीम मुफ्त में दे दूंगा। मेरी बात मानी होती तो वो 20 मिलियन यूरोस आज आपके अकाउंट में होते। मुझे चैलेंज करना आपको महंगा पड़ गया। नाउ द टीम इज माइन। इसका नाम है संकट राव और इसकी पहली खासियत है लोगों के जीवन में संकट पैदा करना और दूसरी खासियत है बिना पूछे सलाह देना। इस तरह से जीत जाओगे। मैं जीत गया। थैंक यू। इसकी सलाह से कुछ लोगों को फायदा होता है पर ज्यादातर लोगों को नुकसान ही होता है। हेलो। ओ माफ करना जी। ये आपने पैसे लगाए? हाँ। इसमें तो एक बिल्डिंग बन जाएगी और ये पैसे। ये मेरा पैसा है। आपके हैं? ओके। इस नंबर पे मत लगा, मेरे शेयर पे लगा। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। ये देखो। अरे तुम जीत जाओगे, मुझ पे भरोसा करो। ये देखो बन गया। रोल द डाइस, कम ऑन। ये जीत जाएंगे। एक नंबर है। क्या? मेरा पैसा वापस दे। किस बात के पैसे वापस दूं? जुए में जुआ खेला, हारना था तो तुम हार गए। दोनों चीजें तुमने की है, मैंने कुछ नहीं। पैसा दे। गन क्यों निकाली? कितने पैसे देने हैं भाई? 2 मिलियन यूरोस। 2 मिलियन? अरे 10 की नोट, इसमें मिलियन ऐड कर लेना। हफ्ते भर में मुझे मेरे पैसे चाहिए। What the hell is this? इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मुझे ये पेपर्स आज ही सुबह मिले हैं मैम और ये लॉकर में पड़े हुए थे। जब इसे देखा तो ये आपकी प्रॉपर्टी के पेपर हैं और इसके मुताबिक आपके डैड की पूरी प्रॉपर्टी तभी आपके नाम हो सकती है जब आप किसी इंडियन से शादी करें, वो भी 1 महीने के अंदर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। क्या? मैम आपके पास सिर्फ 30 डेज है। 30 डेज? मैं तो अपना बर्थडे भी 3 महीने तक मनाती हूँ, लेकिन अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लूँ वो भी 1 ही महीने में? मिस्टर संकट राव, हाँ? आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? नहीं मैडम, मेरे पे जो आप बीती है वो किसी पे ना बीते। क्यों, क्या हुआ? फ्री की एडवाइस देकर मैं बर्बाद हो गया। वो सब मैं नहीं जानती। चाहे कुछ भी हो जाए, 1 महीने में मुझे अपने कैलिबर का एक लड़का चाहिए। कैसे ढूंढूंगी मुझे नहीं पता। कोई ऐसा जो मेरे बिजनेस को बढ़ाए। जल्दी ढूंढना शुरू करो। वो 1 हफ्ता, 1 महीना? मर गए रे। देखिए इम्पॉसिबल है, ड्राइवर 2 मिनट में मिल जाता है। मैडम तलाक चाहिए तो 2 दिनों में, और आपको झेलने वाला लड़का मिलना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, लड़का जैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रॉपर्टी से मतलब है। काम 1 महीने में किया तो 1 मिलियन यूरोस तुम्हारे। छोड़ो, मैं किसी और से करवा लूंगी। नहीं, मैं कर दूंगा, 1 महीने में कर दूंगा। इन 2 दिलों को मिलाने का काम मैं 2 दिन में कर दूंगा। पैसा रेडी रखिए। ओके। सोचिए आपका लाइफ पार्टनर और आपको खुश रखने वाला मिल गया। सो, हमारी कंपनी को इससे बहुत फायदा होगा। सर मैं इसे पहचानता हूँ, ये तो मशहूर संकट राव है। आप कभी भी किसी भी पब में जाइए, ये वहीं पड़ा मिलता है और तो और बिना पूछे भी मशवरा देता है। Shit. Oh no. ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गली में जाके गोटियाँ खेलनी चाहिए। चुप रहे संकट राव, ने तो 1 मिलियन मोर लगे हुए गधे। अरे दोस्तों क्या कर रहे हो? गलत तरीके से खेल रहे हो। You guys want to learn? वहां देखो, वो अंकल तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा देंगे। मैं सिखाऊंगा इन बच्चों को, मैं सिखाऊंगा। पैसा दे। भूल गया, 1 मिलियन देना है। ये क्यों देख रहा है मुझे है?
मेरे पैसे दो। संकट राव मत जाओ, वहाँ संकट है। एक्सक्यूज मी अंकल, आप सीनियर कोच लगते हैं, आप उन नौसिखियों को सिखा सकते हैं? मैंने कोचिंग क्लासेस बंद कर दी हैं। लेकिन क्यों? जबान तकदीर खराब है और मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ इसलिए। अरे सर, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज है, इन मासूमों को सिखा दीजिए ना। दुकान बंद है भाई। अरे इनको तो कुछ नहीं आता, एक नंबर का पप्पू है ये। नहीं वो आदमी, लगता है संकट की संकट से निकालने वाली सलाह देनी पड़ेगी। अब तुम पीछे हट जाओ बेटा, उंगली इसमें इस तरह डालो, अटकाने के बाद पीछे ये स्टांस लो ताकि पूरी ताकत आपके बाजुओं में आए। 2.5 किलो की बाजू, अब हो जाओ पीछे बाजू और देखो खुन्नस से। और ये फूट गया दिवाली। अरे सर, ये क्या किया वालू? तुम हटो पीछे। चार डंडे। ए मिस्टर, तुमने क्लब का नुकसान किया है, पैसा भरना पड़ेगा। इतना पैसा हुआ रे? 20,000 यूरो। अरे हटाओ, इतने छोटे अमाउंट के लिए डंडा दिखाते हो? ये लो, जाओ इसमें से पूरे 20 निकाल लो। कंगाल चोपड़ी खोपड़ी भी कंगाल। इस कार्ड में तो बैलेंस ही नहीं है। तुमसे मदद नहीं मांगी। ये लोग बहुत मारते हैं। फिर ले लो। धन्यवाद, तुमने संकट राव की मदद की। आज के बाद जब भी संकट में फंसोगे तो मुझे याद मत करना। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसी वक्त। अभी मुझे तुम्हारी बॉस से मिलना है। हाय, I'm कार्तिक। अनुष्का, बहुत सुना है आपके बारे में, आपकी आइडियाज, बिजनेस का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी आपको काफी दिलचस्पी है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में एक गेमिंग कंपनी खोलें और फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी ऐसे कई स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक द फ्यूचर इज अबाउट स्पोर्ट्स। हमारी कंपनी 2 लीडिंग टीम्स को खरीदेगी और दोनों टीम्स हमारी कंपनी को प्रमोट करेंगी। इंडस्ट्री में हमारी मोनोपोली होगी और अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी को 10 गुना ज्यादा मुनाफा होगा। ऐसी डील बार बार नहीं आएगी। यही है मेरा प्लान। जैसा बिजनेस पार्टनर मुझे चाहिए, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आपके साथ बिजनेस करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारी ट्यूनिंग काफी अच्छी मैच होगी। डील मंजूर है। मिलते हैं। शादी के लिए लड़का कैसा है? शादी? क्या ये बिजनेस डील नहीं थी? नॉट एट ऑल। आपका होने वाला दूल्हा? नाइस जॉब। मुझे जैसा लड़का चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही है। शादी करूंगी तो सिर्फ इसी से। अब जल्द से जल्द मेरी भी नैया पार कर दीजिए। क्या? मैं ये कह रहा था कि जैसा आपने चाहा था ये लड़का ठीक वैसा ही है। मैडम, आपकी पसंद इसकी पसंद है, आपकी नापसंद भी इसकी नापसंद है। मैंने इसकी पूरी कुंडली निकाली है। तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? पूरा भरोसा कर सकती है। कोई गलती हुई तो गला काट के आपके कदमों में पेश कर दूंगा मैडम। जैसा कि वादा किया था। हाँ। ये रहे तुम्हारे 1 मिलियन। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बाकी के पैसे जल्दी देना। अरे उसी का जेरॉक्स कर ले। 1 मिलियन का चेक एक सेकंड भी मेरे हाथ में नहीं टिक टिक टिका। तो ये है वो जगह जहाँ हमारी नई कंपनी होगी। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाय कार्तिक, कैसे हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ अनुष्का, BMC ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर। दिस इज अ सरप्राइज, मिलना था तो ऑफिस में मिल सकते थे। मैं बिजनेस की नहीं पर्सनल बात करने आई हूँ, इसीलिए तुम्हारे घर आ गई। आई वॉन्ट टू मैरी यू। इस शादी की वजह से हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारा अलायंस की वजह से कंपनी के शेयर्स बढ़ जाएंगे, वो भी 10 गुना। ऑफर कैसा लगा? I love your idea. आपका आइडिया कैसा लगा अंकल? मुझे तो झटका बहुत जोर का लगा। ये प्रपोजल कोई शादी का है या कोई बिजनेस का? दोनों है। इस शादी से हम अपने बिजनेस को बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं। US में मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो तुम्हारे जीजू संभाल सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाला प्रोजेक्ट संभाल सकती है तुम्हारी बहन, और लंदन में एक गेमिंग की नई कंपनी खोलेंगे जिसे तुम्हारे डैड संभाल सकते हैं। और हाँ, तुम्हारी मॉम के लिए माँ हमारे साथ रहेगी। मुझे लगता था ये अकेला सरफिरा है, लेकिन ये इसकी भी माँ निकली। हाँ, वही तो। और हाँ, लंदन से महीने में एक बार तो अंकल आंटी से मिलने आ ही सकते हैं। तो माँ लड़की कैसी लगी? बकवास लगी। बट व्हाई? शादी से पहले ही घर तोड़ दिया है इसने। अरे आंटी, दूर रहने में ही प्यार बढ़ता है। ये सही बात बोली तुमने, सोचने लायक है। माँ, शादी मुझे करनी है तो पसंद भी मेरी होगी। अनुष्का, तुम कल क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। तो कल ही सगाई निपटा लेते हैं। क्या? और इसी महीने की 15 तारीख को शादी? नो, 15 को बुधवार, वीकेंड पे रखते हैं, मुझे ऑफिस मिस नहीं करना। फैंटास्टिक, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूं। बाय बाय बाय। बेटा, ये शादी है, कोई मजाक नहीं है। हाँ, कार्तिक की लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी की तैयारी कीजिए।
अगर ये शादी हुई तो ये लड़की हमें डुबा देगी। ये शादी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? जब भैया कल अनुष्का को अंगूठी पहना रहे होंगे तभी पापा को हार्ट अटैक आ गया तो। अरे ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? तो ना चुप रही है, सिर्फ नाटक करना है ताकि कल सगाई रुक जाए और हमें वक्त मिल जाए शादी तोड़ने का। सही है, क्या बात है। अरे बेटा ये सारी तुमने मुझसे ही तो पाई है, क्या बात है। शट अप, क्या समझती हो अपने आप को? मेरे परिवार के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सिर्फ तुम जो बोलोगी वही होगा। शादी तो दूर की बात है, अब तो सगाई भी करनी है या नहीं इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? कहती है सगाई के लिए मैं क्या पहनूंगा, आप लोग क्या पहनेंगे वो डिसाइड करेगी। और तो और, आप लोगों के बारे में भी बुरा बोल रही है। बस बहुत हो, उसकी अकल ठिकाने लाने के लिए ये शादी रोकनी होगी। कल ही 10 का रिचार्ज करवाया है। क्या बात है, शादी तोड़ने के लिए इतना इंटरेस्ट? वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसे तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार है। बिल्कुल सही, कल अगर तुम कंगाल हो गए तो तुम्हें ही छोड़ के चली जाएगी ना। तुम्हारे लिए मैं अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, तुम सगाई तोड़ दो। नहीं माँ, अगर अभी तोड़ेंगे तो हम उसकी अकल ठिकाने नहीं ला पाएंगे। लेकिन जब कल सबके सामने ठीक रिंग पहनाने के मौके पर सभी मेहमानों के सामने जब मैं उसे मना कर दूंगा तो उसकी अकड़ चूर हो जाएगी। फुल पावर, मैं भी यही आइडिया देने वाला। बलाटली, अब हार्ट अटैक के एक्टिंग की जरूरत नहीं, सब अपने आप ही सुलझ जाएगा। बच गए। कौन सा क्रीम लगाती हो? लगता है बहुत लोगों को बुलाया है। अच्छा ही है, जितने ज्यादा लोग आएंगे उसकी उतनी ज्यादा बेइज्जती होगी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब उसकी इंसल्ट का ढोल बजे और मैं उस पे भंगड़ा करूँ। वो देखो आ गई नकचड़ी। तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। जानती हूँ, चलो मैं तुम्हें अपनी कलीग से मिलवाती हूँ। I'll follow you. जरा भी संस्कार नहीं है इस लड़की में, हमारे पांव तक नहीं छुए। थोड़ा समय दो, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। He's Peter. ये है मिस्टर जॉन, रायन, डेविड और ये है ऑली। गाइस, ये मेरे फियांसे हैं कार्तिक। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपको पता है यहाँ की हर लाइट मैंने अपने हाथ से लगाई है। ओह अच्छा, वैसे आपकी तारीफ। अपने मुँह से क्या तारीफ करूँ, वैसे मैं संकट रहा हूँ। मैं कुछ लोगों की समझ में आता हूँ और कुछ लोगों की समझ से बाहर हूँ। वैसे मैं आपको क्या लगा? बड़े चमन लगते हो। अच्छा, मतलब आपकी समझ से मैं कोसो बाहर हूँ। अच्छा, वहाँ पे शांति शांति है और यहाँ पे अशांति है। शांति क्यों लग रही है? लड़की ने दहेज ज्यादा मांग लिया क्या? तुम होते कौन हो ये सवाल पूछने वाले? एक साल से आपने किसी को मुक्का नहीं मारा। किसे मारूं? नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे ही चला आया था। ये रसगुल्ला कहाँ है? अपना बेटा सगाई का नाटक कर रहा है, इसे पता ही नहीं। अभी होगा धमाका। वो भी छोटा नहीं, बड़ा वाला धमाका। इसने तो हमें ही चमन बना दिया। तो ये झटका कैसा लगा? पापा, आपने मेरे लिए जाल बुना था लेकिन मैंने आप सभी को उसी जाल में फंसा दिया। इसे कहते हैं दिमाग, नहले पे तहले पे तहला। जाओ, रास्ता साफ है।